कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत में पत्थरों की गवाही है। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज, खबर वही जो हो सही। आज आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा दिशाहीन लगेगा, मगर हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिसमें हम आपके हक और हुकूक के मुद्दों को उठा रहे हैं। पिछले दिनों कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें 10 राज्यों के 12 शहरों को औद्योगिक स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया। इन 10 राज्यों में अपना राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को भी इसमें मौका मिला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि ये 10 राज्यों में 12 स्मार्ट औद्योगिक स्मार्ट सिटी 10 लाख रोजगार जो है सृजित करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिन 2 शहरों में वो इसमें मौका मिला है, उसमें मोहब्बत की नगरी आगरा जो ताजमहल के लिए मशहूर है वो शामिल है, और दूसरा शहर जिसको कल तक आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे अब प्रयागराज है वो शामिल है। यानी कि आगरा और प्रयागराज के लोगों को, वहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा इस प्रोजेक्ट में। वैसे इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का नाम शामिल नहीं है। शामिल क्यों होगा साहब? अगर वाराणसी का नाम शामिल हो जाएगा तो फिर यार रैलियों में नारे लगाने वाले और सभाओं में दरी बिछाने वाले कहां से मिलेंगे अगर यहां पे भी रोजगार सृजित हो जाएगा। खैर साहब, ये तो रोजगार की बातें हैं। हमने आपसे बताया था कि आज आपको हमारा वीडियो थोड़ा दिशाहीन लगेगा। चौड़ी चौड़ी सड़कों की बात हो रही है, खूब लंबी चौड़ी सड़कों और अतिक्रमण की बात हो रही है। इस दरमियान स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर बात ही नहीं हो रही है। पूरे मंडल का अपने ऊपर बोझ सहने वाले शिव प्रताप गुप्त चिकित्सालय, जिसको मंडली चिकित्सालय माना जाता है, वहां की व्यवस्थाओं को आप जाके देख लीजिए। चाक चौबंद होने की जो है दावा यहाँ के CMO साहब करते हैं। हालात यह है कि एंटी डिपार्टमेंट में बैठने वाली महिला डॉक्टर साहिबा बाहर की दवाएं लिखती हैं। आपको यकीन नहीं है, हम आपको उसका सबूत भी देंगे। बाहर की दवाएं नहीं लिखना, डॉक्टर साहिबा यहां तक कहती है कि आप भीड़ लगाओगे तो हम उठ के चले जाएंगे। डॉक्टर साहिबा यह भी बताती हैं कि गेट के ठीक सामने चांद मेडिकल पे ही यह दवा मिलेगी। लोगों ने बताया कि चांद मेडिकल सिस्टम में होगा। अब यह सिस्टम क्या होता है साहब, हमको तो नहीं पता। हमारे पास तो 4 लैपटॉप है, उसी को हम सिस्टम समझते हैं। हो सकता है कुछ विशेष सिस्टम चिकित्सा विभाग में होता हो। आपको यकीन नहीं है तो हमारे स्पाई कैम से रिकॉर्ड किया हुआ यह वीडियो देख लीजिए, जिसमें डॉक्टर साहिबा बाहर की दवा लिख करके कह रही है कि चांद मेडिकल पे यह दवा मिलेगी। वीडियो को जरा आप गौर से देख लीजिए। आप स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बेशक मैं इस बात पे जो है एतबार करता हूं कि सारी सुविधाएं सरकार मुहैया नहीं करा सकती है, सब सुविधाएं नहीं मुहैया करा सकती है, मगर मंडली चिकित्सालय में एक न्यूरो सर्जन, छोड़िए साहब, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। और यह ऐसा नहीं है कि आज से नहीं है या फिर जो है भाजपा सरकार हुई तभी से नहीं है, यह हमेशा से नहीं रहा, हमेशा से टोपा पड़ा रहा। हमारे जानकार तो यहां तक बताते हैं कि पूरे प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। अगर आप मंडली अस्पताल का कंपेरिजन करते हैं न्यूरो डिपार्टमेंट में, जामिया जो ट्रस्ट से चलता है, जामिया हॉस्पिटल से, तो जामिया हॉस्पिटल में डॉक्टर अबूजर अंसारी, जिनको AZ अंसारी कहा जाता है, वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जामिया हॉस्पिटल को न्यूरोलॉजिस्ट की सेवाएं मिल सकती है, तो मंडली चिकित्सालय वाराणसी को न्यूरोलॉजिस्ट की सेवाएं नहीं मिल सकती हैं। हमारे चाहे दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी और कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, हमारे जानकार सूत्र बताते हैं कि दोनों के बहुत अच्छे संबंध डॉक्टर विवेक शर्मा से है। डॉक्टर विवेक शर्मा विश्व विख्यात न्यूरो सर्जन है, पहले BHU में सेवाएं देते थे, वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अगर ये दोनों संयुक्त प्रयास करेंगे
तो डॉक्टर विवेक शर्मा रोज ना सही, हफ्ते में एक दिन या महीने में दो दिन ही सही, अगर मंडली चिकित्सालय में अपनी सुविधा जो है सेवा प्रदान करना चालू कर देंगे तो कितने गरीबों का फायदा हो जाएगा। हक की बात है साहब, हमारे काका आज सुबह सुबह जो है पनारू चच्चा, कतवारू चच्चा और खरपट्टू मामू के साथ आदम के, उन्होंने बताया कि सरकार की तारीफ करने पे लाखों रुपया महीना यूट्यूबर्स को मिलेगा। और उन्होंने तलवा चाटने यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि चाटुकारिता के कई गुण भी बताए, बताया ये प्राचीन विद्या है। अब हमारे एक बात नहीं समझ में आई जो हमने अपने काका से पूछ लिया कि काका 12x12 का कमरा है, अलमारी वगैरह सब भरी हुई है, इतना पैसा कमाएंगे तो रखेंगे कहा, तो काका कहे नई अलमारी खरीद लो। अब सवाल ये, नई अलमारी खरीदेंगे तो नया कमरा बनवाना पड़ेगा, अब नया कमरा बनवा लेंगे नई अलमारी खरीद लेंगे तब रखेंगे, मां कसम बड़ा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, आम जनता के हक और हुकूक की बात दिखाते हैं, रैली निकाल करके जोर जोर से वीडियो बना करके इस बात का नारा लगाना कि फलाने काटे जाएंगे तो ये होगा, बहुत आसान है, मगर आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा जो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, पूरी तरीके से मुहैया कराना किसका कर्तव्य बनता है, ये आपको सोचना चाहिए। हमारी नौजवान पीढ़ी बेरोजगार अगर है तो बिल्कुल वो रैलियों का हिस्सा बनेगी, भीड़ का हिस्सा बनेगी, वो इस तरीके से दरी बिछाने वालों का हिस्सा बनेगी, मगर अगर उनको रोजगार मिलता है तो वो अपने रोजगार से जुड़े रहेंगे। रोजगार कितना मिल रहा है, क्या स्थिति है, ये आप भी देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से साफ साफ आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मंडली चिकित्सालय की जो कमी है हम आज आपके सामने उजागर कर रहे हैं, ये इससे पहले के शासन कालों में नहीं रही है, चाहे वो सपा का शासन काल हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, मंडली चिकित्सालय में ये कमियां हमेशा रही है। आप चले जाइए मंडली चिकित्सालय में किसी मरीज को लेकर के इमरजेंसी के में, आपात चिकित्सा कक्ष में बैठे हुए चिकित्सक महोदय अगर आपका मरीज जरा सा भी सीरियस है तत्काल उसके ऊपर रिफर लिख देंगे बीएचयू या ट्रामा सेंटर, फिर जाइए वहां धक्के खाइए, वो भी क्या करे, इसमें चिकित्सकों की गलती नहीं है, जितनी सुविधा उनको मुहैया होगी वो उतना ही काम कर सकेंगे। अब सुविधाओं को कागज कागजी घोड़े अगर सरकारें दौड़ाती रही है और अभी भी अगर दौड़ रहे तो ये एक अलग सी बात है। हमारी बातें अगर आप गलत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपने नजरिए रख करके कह सकते हैं कि तारिक आजमी तुम गलत बोलते हो, अगर हमारी बातें सही होंगी तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप अपना नजरिया रख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको आर्थिक सहायता अगर प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाएं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज़।